बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ऑटो लिस्ट यूज़ करते हुए मल्टीपल पॉइंट्स की जेड वैल्यू शो करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, साइट से कुछ पॉइंट्स का डाटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है, जिनकी ईस्टिंग, नॉर्थिंग एंड सेंथ वैल्यू मैंने ट्रुथ स्टेशन के साथ रिकॉर्ड की है। मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक करवा देता हूँ। आप देखेंगे कि इसकी सेट वैल्यू हमें शो हो रही है। ऑटो लिस्ट यूज़ करने के लिए हमारे तमाम पॉइंट्स की सेट वैल्यू का अवेलेबल होना ज़रूरी है। ऐप लोड कमांड लेते हुए मैं सबसे पहले अपने लिस्ट को लोड कर लेता हूँ। लिस्ट सक्सेसफुली लोड होने के बाद अब हम कमांड बार में लिस्ट की शॉर्ट की ZPT टाइप करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा लिस्ट एक्टिव हो जाएगा। लिस्ट एक्टिव होते ही हमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मैसेज मिलता है। अपने तमाम पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा। मैं कुछ पॉइंट को सेलेक्ट करके इनके ऊपर एलिवेशन शो कर रहा हूँ। ये देखें, मेरे इन तमाम पॉइंट्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनका एलिवेशन शो हो चुका है। एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं कि हमारी इस पॉइंट की जेड वैल्यू हमारे शो होने वाले लेबल के सेम आ रही है या नहीं। पहले मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। दोबारा से लिस्ट एक्टिव करते हुए अब मैं अपने तमाम पॉइंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करूंगा तो मेरे तमाम पॉइंट्स का एलिवेशन शो हो जाएगा। मेरे तमाम पॉइंट्स का एलिवेशन शो हो चुका है, लेकिन टेक्स्ट हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए मैं एक पॉइंट के लेबल को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए अपने तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तमाम पॉइंट्स के लेबल को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में जाकर अब हम टेक्स्ट के ऑप्शन में टेक्स्ट हाइट ज़्यादा करेंगे। मेरे इस टेक्स्ट की हाइट 0.2 है। मैं 0.2 से इंक्रीज़ करके 0.5 कर रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरे तमाम टेक्स्ट की हाइट एक साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। टेक्स्ट हाइट के साथ साथ हम अपने तमाम पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल, पॉइंट कमांड लेते हुए ड्राइंग के अंदर ऐसे ही रैंडम मैं किसी जगह पर पॉइंट्स ड्रा कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने इन पॉइंट्स की सेट वैल्यू इंटर नहीं की है, इसलिए जब मैं ऑटो लिस्ट यूज़ करते हुए इन पॉइंट्स की जेड वैल्यू शो करना चाहूँगा तो आप देखेंगे कि इन तमाम पॉइंट्स की वैल्यू हमें 0-0 शो होगी। इसलिए हमारे तमाम पॉइंट्स की सेट वैल्यू जो होगी लिस्ट हमें वही शो करेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।